साइड देने को लेकर हुए विवाद के बाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक गंभीर व्यक्ति घायल हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से नौगांवा थाने में मामला दर्ज कराया गया। बीजवा निवासी सतनाम सिंह पुत्र अजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी बहन और दो भांजियों के साथ रात्रि धनेटा रोड से खैरतल जा रहे थे, तभी धनेटा मोड़ पर हरियाणा नंबर एक स्विफ्ट गाड़ी ने हमारी गाड़ी के आगे लूट के इरादे से लगा दी। गाड़ी में सवार सद्दाम हुसैन पुत्र रहमत खान, मुबीन पुत्र हनीफ, सौराब पुत्र जुम्मा ने देशी कट्टा दिखाकर उसकी बहन और भांजियों को गाड़ी से नीचे उतार दिया और उनके साथ छेड़खानी की। बचाने की कोशिश करने पर उन्होंने उनके साथ मारपीट की। इन व्यक्तियों ने 3 सोने की चेन, कानों के कुंडल तथा गाड़ी में रखा 1,00,000 रुपए लूट लिए। गाड़ी के शीशों को बेसबॉल के डंडों व पत्थरों से तोड़ दिया। वहीं दूसरे पक्ष के कासम खान पुत्र रहमत खान निवासी धनेटा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई सद्दाम हुसैन पुत्र रहमत, सौराफ पुत्र जुम्मा, सुमसु पुत्र हनीफ अपनी स्विफ्ट गाड़ी से मुबारकपुर से अपने घर धनेटा आ रहे थे। रास्ते में एक गड़ी मोड़ के पास ब्रेजा गाड़ी में सतनाम सिंह, एक अन्य व्यक्ति व 3 महिलाएं तेज स्पीड में साउंड बजाकर जा रहे थे। भाई के बार बार हॉर्न बजाने के बाद भी इन्होंने साइड नहीं दी और आगे जाकर इन्होंने अपनी गाड़ी मेरे भाई की गाड़ी के आगे लगा दी। हॉर्न बजाकर परेशान करने की बात कहते हुए मेरे भाई और उसके साथियों के साथ गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा करने लगे। गाड़ी में रखी हॉकी व लोहे की रोड से भाई व उसके साथियों पर हमला कर दिया, जिससे उसके भाई का कान कट गया और आंख व सिर में भी फ्रैक्चर आया।